दिवाली पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन अवध के लिए यह तो बेहद खास है। यह त्यौहार परमितार्थ अयोध्या से हैं। सभी जानते हैं कि विजयदशमी पर रावण के वध के बाद प्रभु राम, जानकी और लक्ष्मण अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या में बिखरी खुशियों की रोशनी से आज पूरा देश रोशन हो रहा है। शायद यही वजह है कि अवध में दिवाली की हर रवायत खास है। कार्तिक लगते ही दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। करवा चौथ से साफ सफाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। दिवाली की रात कुछ ऐसी परंपरा की जाती है जिससे पूरा परिवार एक साथ हो जाता है। यही छोटी छोटी परंपराएं दिवाली को और भी खास बनाती हैं। दिवाली के रंगारंग चित्रांगन की भी परंपरा है। दिवाली के रंगारंग चित्रांगन की भी परंपरा रही है, लेकिन अब यह कस्बाई इलाकों में दिखता है। हाँ, दीवार पर बनने वाली दिवाली की जगह अब रेडीमेड कैलेंडर ने ले ली है। यह चित्रांगन में लक्ष्मी, गणेश, देवी देवता, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, यमुना, तुलसी जैसे विषय संजोए जाते हैं। एक और परंपरा अलाय बलाय निकलने लगी है। शाम को तारा देखकर अलाय बलाय घर से निकाली जाती हैं। वैज्ञानिक नज़रिए से यह प्रथा अहम है। सन की जलती हुई टहनियाँ जीवाणुओं, विषाणुओं को नष्ट कर देती हैं। मान्यता है कि इस रात जादू टोटके और तांत्रिक प्रयोग होते हैं। इसी कारण से कम उम्र के लड़के गले में जादू माला के साथ पहनकर घूमते हैं। बच्चों को पेड़ के साथ सच्चा मोती खिलाने की भी परंपरा है। दिवाली पर कुम्हार गणेश, लक्ष्मी के साथ घर गृहस्थी, हाथी, घोड़ा, मुर्का, कच्चा पक्का, दिया वगैरह भी लाते हैं। यह सब दिवाली के लिए पूजा के स्थान पर सजाए जाते हैं। यह प्रथा ज़्यादातर जगहों पर देखी जाती है। रात को कोड़ियाँ रख कर जगाई जाती हैं। कोड़ी संसार के प्राचीनतम विनयनम मुद्रा है। रोम से हिंदुस्तान तर्क तक यह चलती आ रही है। आज तक कहा जाता है कि वो तो कोड़ियों के मोल बिके, मतलब बहुत सस्ते में गए। लोग 16 कोड़ियों सौरी से जुआ खेलते हैं। शगुन में अब ताश चलते हैं। पक्के दिए और सरसों के तेल का चिराग जलाकर उस कच्चे दिए को रखकर काजल बनाया जाता है। रात में यही सबको लगाया जाता है। कहते हैं कि नज़र दोष नहीं लगता और आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें SPN9 News पर। हर्ष की रिपोर्ट।